आमिर की फिल्म सरफरोश के सीक्वल में नजर आएंगे जॉन मांगी। आमिर की ब्लेसिंग्स। बॉलीवुड में अपने बेहतर अभिनय से मिस्टर परफेक्शनिस्ट बन चुके आमिर खान की फिल्मों का हर किसी को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है। फिलहाल हर कोई उनकी आने वाली फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का वेट कर रहा है। इस फिल्म में आमिर खान के साथ ही अमिताभ बच्चन, कटरीना कैफ और फातिमा सना शेख भी नजर आने वाले हैं। फिल्म से अब तक एक मोशन लोगो वीडियो अमिताभ बच्चन और फातिमा सना शेख का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है। सभी पोस्टर्स ने ही दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। अब देखना होगा कि बाकी स्टार्स के लुक कैसे होते हैं। वहीं आज हम बात कर रहे हैं आमिर खान की एक फिल्म सरफरोश के सीक्वल के बारे में। जी हाँ, 1999 में आई इस फिल्म के जल्द ही सीक्वल को बनाने की बातें की जा रही हैं। इस फिल्म में आमिर खान ने एसीपी का किरदार निभाया था, जो कि लोगों को काफी पसंद भी आया था। फिल्म का निर्माण जॉन मैथ्यू ने किया था। वहीं आमिर के साथ सोनाली बेंद्रे और नसीरुद्दीन शाह भी दिखाई दिए थे। जबकि अब फिल्म के सीक्वल में एसीपी के रूप में जॉन अब्राहम का नाम सामने आ रहा है। जॉन की पिछली कुछ फिल्मों की बात करें तो उन्हें कभी किसी एजेंट तो कभी किसी पुलिस वाले का किरदार निभाते हुए देखा जा रहा है, जिसके चलते उन्हें यह फिल्म ऑफर की गई है। सूत्रों का कहना है कि जॉन ने फिल्म के लिए हाँ भी कर दिया है। फिलहाल जॉन अब्राहम जासूसी थ्रिलर फिल्म रोमियो अकबर वाल्टर रॉ की शूटिंग कर रहे हैं। इसके बाद वे इस फिल्म पर काम कर सकते हैं। फिलहाल फिल्म का सीक्वल निभाने के सिलसिले में जॉन और आमिर खान की मुलाकात नहीं हुई है, और कहा जा रहा है कि जिस किरदार को मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने निभाया था उसे निभाने के लिए जॉन कुछ घबराए हुए भी हैं। इस बारे में जॉन का कहना है कि मैं सिर्फ इसलिए ही उत्साहित हूं क्योंकि मैं उनका निभाया हुआ एक किरदार फिर से निभा रहा हूं। मैं आमिर का हमेशा से फैन रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि वे इस फिल्म के लिए मुझे ब्लेसिंग देंगे।